सुरेंद्र बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आज हम बात कर रहा हूँ क्लास 8 की सिविक्स लेसन 10 और द नेम इज लॉ एंड द सोशल जस्टिस ऑफ द लेसन। बिकॉज दिस बिफोर आई हैड कंप्लीटेड लेसन 9 द पब्लिक फैसिलिटीज एंड इन दैट वीडियो हमने देखा बहुत चीज़ों के बारे जानकारी ली। अगर आप उसको नहीं देख रहे तो जाके उसे देख सकते हैं। आइए चलते हैं, आज हम न्यू लेसन जो है पेज नंबर 121। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उसको ओपन कर लें ताकि मैं लाइन बाई लाइन उसको समझ सके। देखते हैं, डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ अ शॉट फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। आपने 7th की बुक में मैंने आपको पढ़ाया था अराउंड द मार्केट, ठीक है। उसका नेक्स्ट लेसन था अ शॉट अराउंड द मार्केट। तो हम लोगों ने इसको देखा था लेसन 7 में कि जो शॉर्ट है, जो मार्केट में पहुंचता है शॉर्ट, वे कई सारे प्रोसेस के थ्रू होकर के पहुंचता है। जैसे सपोज दैट कि कॉटन, ये बनता है शॉर्ट कैसे? कॉटन से बनता है। कॉटन जो है उसकी एग्रीकल्चर होती है, फार्मर्स उसको ग्रो करते हैं अपने लैंड में, फिर फार्मर्स उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उसे स्मॉल ट्रेडर्स को सेल करते हैं। ये स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं बड़े ट्रेडर्स को सेल करते हैं, बड़े ट्रेडर्स कंपनी को सेल करते हैं और कंपनी में वर्कर्स जो होते हैं उसको वर्क करते हैं, उस कॉटन से यार्न प्रोड्यूस करते हैं, यार्न जो बनाते हैं, फिर यार्न को डे करते हैं, रंगते हैं, फिर कपड़ा बनाते हैं। आफ्टर दैट ही मेक्स टेलर्स मेक अ शर्ट और फिर वहाँ शर्ट बनता है। फिर शर्ट बनने के बाद डायरेक्ट कंपनी से बड़े व्यापारी जो है बिग ट्रेडर्स परचेज करते हैं और वो बिग ट्रेडर्स स्मॉल ट्रेडर्स को सेल करते हैं, वो स्मॉल ट्रेडर्स जो है रिटेलर को सेल करते हैं और तब वहाँ से कंज्यूमर क्या करते हैं? परचेज करते हैं। यानी कि देखा जाए एक तरह से कि यू शेप का साइज बनता है। पहले जो है फार्मर्स कॉटन ग्रो किया, फिर स्मॉल ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स, कंपनी, वर्कर्स, फिर वहाँ पर मतलब वो उसको प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आफ्टर दैट बिग मर्चेंट, फिर स्मॉल मर्चेंट, फिर ट्रेडर्स, इसके बाद कंज्यूमर। यानी कि एक शर्ट को बनने में या हमारे यहाँ पहुँचने में, कंज्यूमर को कंज्यूम करने में कई लोग, इसमें अलग अलग चेन होती है, अलग अलग लेवल होता है, उसमें अलग अलग लोग वर्क करते हैं। आइए देखते हैं, वी सा देयर दैट अ चेन ऑफ द मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन टू द बायर ऑफ अ शर्ट इन द मार्केट। यानी कॉटन प्रोड्यूस करने से लेकर के मार्केट में शर्ट को बिकने तक, यानी कि सेल होने तक, इसमें कई लोग, कई श्रृंखला, कई अलग अलग स्टेज होता है और प्रत्येक स्टेज में लोग अलग अलग वर्क करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग वाज टेकिंग प्लेस एट द एवरी स्टेज इन द चेन। यानी कि प्रत्येक चेन में देखा क्या हुआ? बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ। अभी आपने देखा, मैंने सुनाया था आपको कि जो फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। यानी कि फार्मर सेल किया और स्मॉल ट्रेडर्स परचेज किया, फिर स्मॉल ट्रेडर्स सेल किया, बिग ट्रेडर्स परचेज किया, फिर बिग ट्रेडर्स सेल किया, कंपनी परचेज की, कंपनी में प्रोडक्शन से वर्क हुआ, उसमें बहुत सारे वर्कर्स लगे हुए थे, वर्क हुआ अलग अलग लेवल पे, फिर वर्क के बाद कंपनी ने सेल की और बिग जो ट्रेडर्स हैं वो परचेज किए, फिर आपका बिग ट्रेडर्स जो है स्मॉल ट्रेडर को सेल किया और फिर ट्रेडर जो सेल किया खुदरा दुकानदार को, और दुकानदार क्या करते हैं? कंज्यूमर को फाइनली सेल करते हैं। यानी कि सेलिंग और परचेजिंग, ये दो वर्क जो है प्रत्येक स्टेज पर होते रहा है। ओके, मेनी ऑफ द पीपुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट। अभी आपने देखा इसमें बहुत से लोग डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी, मतलब इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं प्रोडक्शन में। द स्मॉल फार्मिंग फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, द वेबर्स ऑफ इरोड द ऑफ और वर्कर इन द गारमेंट, ठीक है, इस वजह से वर्क करते हैं, और स्पोर्टिंग फैक्ट्री फेस्ट एक्सप्लोटेशन और एंड अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट। यानी कि इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन से लेकर के मार्केट तक आने में, कई अलग अलग लेबर्स अलग अलग स्टेज पर वर्क करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि इनकी एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण होती है। देखिए नई चीज आ गई, एक्सप्लोटेशन
यानी कि जो भी इसमें वर्क करने वाले हैं, स्मॉल ट्रेडर्स से लेकर के लेबर तक, वर्कर्स, फार्मर तक, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो वेदर एज अ वर्कर्स, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जहाँ पर कौन कौन है, तो वर्कर्स है, या तो कंपनी का जो मालिक है, ऑनर जो है, उन्हें कम वेजेस पे वर्क कराती है, उन्हें वेजेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं देती है, या वेजेस से अधिक टाइम में वो उनसे वर्क लेती है, या फिर कंज्यूमर से जो अधिक पैसे ले जाते हैं, या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए ये समस्या बन जाती है। तो टू प्रोटेक्ट द पीपुल, यानी कि लोगों की सुरक्षा करने के लिए फ्रॉम सच एक्सप्लॉइटेशन, इस तरह की शोषण से, द गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉ, हमारी सरकार ने क्या किया है, कुछ रूल्स को बनाया है, कुछ नियम बनाए हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉ एंड सोशल जस्टिस, यानी जो सामाजिक जो न्याय है वो कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, किस पनिशमेंट, किस जुर्म के लिए, किस अपराध के लिए कौन सी पनिशमेंट देनी है, इन बात कहाँ मेंशन है, ये लॉ में हमारे इंडियन कंस्टिट्यूशन में मेंशन है कि किस जुर्म के लिए कौन सजा देनी है, इस अकॉर्डिंग टू द लॉ सामाजिक न्याय होता है। ओके, तो दिस लॉ ट्राई टू इंश्योर दैट, और जो ये लॉ होते हैं ये ट्राई करते हैं, कोशिश रहती है क्या, कि दैट अनफेयर प्रैक्टिस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट, यानी कि प्रयास क्या होती है कि मार्केट में, यानी कि सभी जगह सोशल में जो अनफेयर मीन्स हो कम से कम हो, इवन बिल्कुल ही ना हो। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट अब पॉइंट आती है हमारी, लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशंस वेयर द लॉ वार वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक मार्केट का एग्जांपल लेंगे जहां पर लॉ होना जरूरी हो जाता है। सपोज दैट अगर लॉ नहीं होगा, कोई लॉ नहीं है, या लॉ है भी तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है, इम्फोर्सली उसको लागू करने वाला नहीं है, या जो लॉ को ब्रेक करते हैं उस पर कोई ध्यान देना नहीं है कि जो लॉ ब्रेक करता है उसके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था हो जो ब्रेक ना करे, तो क्या होगा, यानी कि इनजस्टिस बढ़ जाएंगे, एक्सप्लॉइटेशन हमारे मार्केट में, हमारे सोशल में क्या हो जाएंगे, डे बाय डे बढ़ जाएंगे। ओके, तो दिस इज इशू ऑफ वर्कर्स वेजेज, यानी कि यहाँ पर एक वर्कर वेजेज की, मजदूरों की जो मजदूरी होती है, उस समस्याओं पर एक यहाँ बात करने की बात की जा रही है। द प्राइवेट कंपनीज, कंट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन्स नॉर्मली वांट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन, यानी कि जो भी लोग हैं, जो संस्था वर्क चलाते हैं, प्राइवेट कंपनीज की मालिक क्या चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक बेनिफिट हो, या कंट्रैक्टर क्या चाहता है कि हमें अधिक से अधिक का मुनाफा हो, या बिजनेस पर्सन हमें कम लागत में ज़्यादा का बेनिफिट हो, यानी कि सभी लोग जिस लेवल से वर्क करते हैं सबकी इच्छा क्या होती है कि हम अधिक से अधिक मनी जो है अर्न करें। इन द ड्राइव ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट को लेने के लिए, दे माइट डिने वर्कर्स देयर राइट एंड नॉट पे देम वेजेज, यानी कि लोग अपनी ग्रीड को कंप्लीट करने के लिए, अपनी लालच को अधिक प्रॉफिट करने के लिए वो क्या करते हैं, वर्कर्स का जो अधिकार होता है उसको मतलब डिनाई करते हैं, उस अधिकारों से वंचित रख देते हैं उन्हें, उन्हें प्रॉपर तरीके से वेजेज जो है नहीं देते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं, इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिने वर्कर्स देयर वेजेज, हम संविधान की बात करें तो संविधान की नज़र में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ नॉट लीगल वर्क, ये इलीगल वर्क है या गैर कानूनी वर्क है, या आप किसी लेबर से वर्क कराएं, काम कराएं और उसको प्रॉपर तरीके से वेजेज नहीं दें, ऐसा अगर होता है तो क्या होगा, ऐसे वर्क जो है इसको बोलते हैं इलीगल वर्क या गैर कानूनी काम बोलते हैं, तब क्या होता है इसके लिए, सिमिलरली टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड, यानी कि देखना होता है इसलिए रूल के अकॉर्डिंग, भाई ऐसा तो कोई वर्कर नहीं है जिन्हें मिनिमम जो मिनिमम वेजेज है उनसे भी कम पे वर्क करने को लोग मजबूर करते हैं, बाध्य करते हैं, और वर्कर हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेज वेज बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि जो वर्कर्स जो हैं ऐसा तो नहीं है कि जो एम्प्लॉयर हैं या जो काम कराता है इनसे उन्हें कम वेजेज पर काम कराता है, द मिनिमम वेजेज आर रिवाइज अपवर्ड एवरी फ्यू ईयर्स, यानी कि प्रत्येक गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी
चीज है जिसको फिक्स जाती है कि आपको इस वर्क के लिए इतना कम से कम आपको इतना देना ही पड़ेगा। आप मैक्सिमम जितना दे सकते हैं दीजिए, लेकिन मिनिमम वेजेज जो है आपको इतना देना पड़ेगा। अगर आप इससे कम देते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं कि आप उस लेबर का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं जो इलीगल वर्क है, और आप रूल को क्या करते हो, ब्रेक करते हो। और ये जो वेजेज है समय समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, उसको रिवाइज जाती है। एज वी द लॉ और मिनिमम वेजेज, यानी कि जो मिनिमम वेजेज न्यूनतम मजदूरी का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, विच इज मीन्ट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, यानी कि वर्कर को क्या कर रहा है, डायरेक्टली एक तरह से हम कहते हैं प्रोटेक्ट कर रहा है। कि कोई ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं या बिजनेसमैन हैं या कंडक्टर हैं किसी वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए ये जो आपका मिनिमम वेजेज जो एक्ट है वो वर्क करता है, किसके फेवर में, वर्कर के फेवर में। देर आर ऑल्सो लॉ दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ऐसा नहीं है केवल लेबर को ही प्रोटेक्शन करने के रूल बने हुए हैं, ऐसे भी रूल्स हैं जो इंटरेस्ट प्रोड्यूसर को भी इंटरेस्ट के लिए रूल बने हुए हैं और कंज्यूमर के ही बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जाते हैं मार्केट में कोई शॉर्ट परचेज करते हैं, तो रूल क्या होता है कि अगर आप जो शॉर्ट आपको लाइक हो जाती है तो आप प्राइस पे करते हो और पैसा पे करते हो और सामान को लाते हो। लेकिन अब क्या होगा कि मान लो कि आपने सामान परचेज किया, उसको वियर कर दिया और दो चार दिन यूज करने के बाद फिर गए भैया इसको वापस कर लो मुझे पसंद नहीं आया है। लेकिन रियल रूल है कि जब कस्टमर को पसंद आएंगे तो ही वो आपका लेगा। लेकिन ऐसा नहीं, पसंद का मतलब ये हुआ कि आप घर ले गए, टू डेज फाइव डेज यूज किए, उसको रफ कर दिए और फिर कहो कि भाई वो हमको ये पसंद नहीं है आप वापस करो, तब क्या होगा। अगर ऐसा से लोग करना शुरू करें तो जो कंज्यूमर हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो शॉपकीपर्स हैं उससे लॉस होगा। तो रूल जो है दोनों के लिए बना हुआ है, दोनों को रूल के अकॉर्डिंग जो है बंधा हुआ है। तो दिस हेल्प इंश्योर दैट द रिलेशन बिटवीन द थ्री पार्टीज, यानी कि रूल जो है तीन पार्टी कौन कौन है, वर्कर्स, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, यानी कि तीनों का संबंध जो है इक्वलिटी बना रहे और तीनों में क्या हो, तीनों में से कोई भी एक पार्टी अदर्स पार्टी का एक्सप्लॉइटेशन शोषण न करे, इसलिए रूल क्या हुआ है, बना हुआ है। ओके, अब ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है हम इसको आगे पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट को, ठीक है, सेकेंड डे। तब तक के लिए गुड बाय।